ये वाला लाइट मुझे रिफ्लेक्शन देती है, पूरा बोर्ड खराब हो गया। स्टार्ट करते हैं अपन रिकॉर्डिंग का, चालू हो जाएगा चालू। बायोलॉजी क्लास 11, क्लास 11 का बायोलॉजी का टॉपिक होगा अपना प्लांट डाइवर्सिटी, या अपन कहें जैव विविधता, पूरी पूरी जैव विविधता की बात करते हैं, या पादप विविधता या जंतुओं की बात नहीं करके पूरी जैव विविधता की बात करते हैं। सबसे बेसिक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th 10th वगैरह में कि दुनिया में बहुत सारे पादप हैं, जंतु हैं, जीव हैं, तो ये उनको पहचानते कैसे अपन। तो सबसे पहले जो था वो एक वैज्ञानिक आए थे अपने सामने, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस जो है उसने जितने ने भी पादप जंतु जो भी जीव थे सबके सबको दो भागों में विभक्त किया था, और दो भाग जो थे उन्होंने कुछ इस तरह से बनाए। एक तो कहा था इसने पादप और दूसरे कहा इसने जंतु। समझ आ रही बात? अब इसका खुद का नाम भी दो भागों से विभक्त है, और कैरोलस और लिनियस, और उसने जीवों को भी कितने दो ग्रुप में बांटा, तो कौन से हो गए पादप और जंतु। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरोलस लिनियस ने भी जगत प्रणाली दी थी। समझ आ रही बात? मतलब क्या है कि उसने संपूर्ण जो जीव जगत था पूरे के पूरे उसको दो भागों में विभक्त कर दिया उसने, एक पादप और दूसरा जंतु। इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम आपने क्या रखा, द्वि जगत प्रणाली। कैरोलस लिनियस ने भी कहा था कि पादप जो होते हैं दो समूह बांट सकते, सॉरी जो जीव होते हैं सबके सब उनको दो समूह बांटते हैं, पर एक पादप हो गया और दूसरा जंतु हो गया, तो ये क्या हो गई, द्वि जगत प्रणाली। समझ आ रही बात? तो द्विजगत प्रणाली में जो है इसने आगे जो द्विजगत प्रणाली में जो जीवों के नाम दिए वो भी दो की तरह से दिए। समझ रहे हो बात को? इसने जो नाम दिए थे वो भी दो की तरह से दिए थे, कौन कौन से, एक तो जैसे मान लेते हैं कि अपन गाजर का नाम देते थे, गाजर जो होती है उसका अपन ने नाम दिया डोकस केरोटा। क्या नाम दिया अपन ने, डोकस केरोटा। अपन ने जो पादप है उसका नाम दिया अपन ने गाजर का नाम डोकस केरोटा, मतलब जो जीव है उसको उसने दो भागों में बांटा, पहला कौन सा हो गया डोकस और दूसरा कौन सा हो गया इसका केरोटा। कुल मिलाकर के कैरोलस लिनियस ने जितने भी नाम गांव प्रणाली जो भी दी थी उनके सबको सबको क्या था, दो समूह में बांटा, दो अलग अलग तरीके से नाम दिए, एक पादप और जंतु। जिसी किसी पादप का नाम लिखा तो भी क्या लिखा, डोकस केरोटा। मनुष्य का नाम इसने क्या लिखा, होमो सेपियंस। तो इसी प्रकार से नाम लिख देते अपन मानव का, मानव की बात करें तो लिखा गया इसने होमो सेपियंस। समझ में आ रही बात तुम्हारे को? तो पहले तो इसने दो ग्रुप में बांटा और दोनों ग्रुप में क्या करा, हर एक चीज को डबल 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 नाम देता रहा, तो इसीलिए इस पद्धति का नाम क्या हो गया, द्विजगत प्रणाली। समझ रहे हो बात को? अब देखते हैं, अब द्विजगत प्रणाली जो है वो क्या हमेशा के लिए सही है, क्या हमेशा ऐसे ही होते हैं कि प्रकृति में केवल दो ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पादप और जंतु भी पाए जाते हैं क्या? तो इनके सामने कहा गया कैरोलस लिनियस को कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि संपूर्ण जंतु या संपूर्ण जीव जगत को जो है आपने दो ग्रुप में बांट दिया पादप और जंतु, तो फिर इनको कहा गया कि एक ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, मतलब जिनको अपन जीवाणु कह रहे हैं, जो जीवाणु है उनको कहाँ रखा जाए, पादप पादपों में काउंट करोगे या जंतुओं में काउंट करोगे, तो वहां पर ये मना करते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं। समझ आ रही बात? फिर उसके बाद में उसको कहा गया कि जो अपने वायरस जो है, वायरस जो है उसको कहाँ रखा जाए, पादपों में रखा जाए कि जंतुओं में रखा जाए, तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कर पा रहे कि यहाँ पादपों में रखें कि जंतुओं में रखें। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब जो था वो कैरोलस लिनियस ने जो भी जगत प्रणाली जो दी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। समझ आ रही बात? फिर इसी के आगे जो है एक वैज्ञानिक आए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कैरोलस लिनियस ने द्वि जगत प्रणाली दी थी और संपूर्ण जो जीव था जंतु जगत पादप जगत दो ग्रुप अलग अलग ग्रुपों में इसको विभक्त किया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि जीवाणु जो उनका उसने कभी नाम नहीं लिया,
ना वायरस होते उनका नाम लिया, फिर उसके बाद में ये पद्धति जो है वो फेल हो गई है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन पांच जगत प्रणाली की। फिर उसके बाद में जो है अपन जैसे पादप है, वायरस है और कोई जंतु जो है सारे के सारे उनको जो है एक वैज्ञानिक भाई आरएच व्हिटेकर, वैज्ञानिक का नाम क्या था आरएच व्हिटेकर, इस आरएच व्हिटेकर ने जो है सबसे पहले ये बताया कि जितने भी पादप और जितने भी जंतु होते हैं उनको पांच समूह बांटते हैं। तो पांच समूह बनाए उसने कौन कौन से, पहला जो था वो लिखा इसने मोनेरा, पहला कौन सा लिखा इसने मोनेरा, दूसरा जो है उसको लिखा उसने प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद में लिखा इसने कवक, और फिर लिखा इसने पादप, और सबके लास्ट में जो इसने जंतुओं को क्लासिफाइड किया। तो आर एच व्हिटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी, इस प्रणाली का क्या नाम लिखा अपने पांच जगत प्रणाली, फाइव किंगडम सिस्टम नाम दिया इसने, पांच जगत प्रणाली नाम दी। और पांच जगत प्रणाली में जो है वो सभी के सभी जितने भी जंतु पादप जो भी जीव रहते थे उन सबको संपूर्ण जीव जगत को इसने कितने बांटा, पांच अलग अलग समूह बांटा। पहला कौन सा हो जाएगा मोनेरा, दूसरा कौन सा हो जाएगा प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा हो जाएगा कवक, और चौथा कौन सा हो जाएगा पादप, पांचवा कौन सा हो जाएगा जंतु। संपूर्ण जीव जगत को जो है इन पांच समूह में विभक्त किया इन्होंने, ठीक है, याद होने चाहिए आपको सीक्वेंस में इसी तरीके से, सबसे पहले मोनेरा, फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद में कवक, फिर उसके बाद में पादप, और लास्ट में जंतु। अभी आप देख रहे होंगे कि आर्यत जो कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली जो दी थी वो अभी भी कॉमन ही है, दोनों जो है उसके अंदर क्या है पादप और जंतु अभी भी उपस्थित है, लेकिन इसने ये दो ग्रुप तीन ग्रुप और बना दिए। मतलब जो अभी अपन कह रहे थे कि जीवाणु जो होते हैं उनको कहां रखा जाए, आप कैरोलस लिनियस ने पूछा था, कैरोलस लिनियस ने मना कर दिया था कि यहां पर अपन नहीं रख सकते हैं, लेकिन आरएच व्हिटेकर ने क्या कहा कि जीवाणु जो होते हैं उसको मोनेरा ग्रुप में रखते हैं अपन, जितने भी जीवाणु है उन सबको कौन से ग्रुप में रखेंगे अपन मोनेरा के अंदर रखेंगे, ठीक है। इनका सबका एक्सप्लेनेशन जो है वो आराम से करेंगे, इससे पहले अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं क्या जरूरत पड़ गई जीवों की, किसको अपन जीव कहेंगे किसको निर्जीव कहेंगे। तो प्लांट डायवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले विविधता जो होती है जीवों की वो कहां से स्टार्ट होती है, कैरोलस लिनियस के काल से स्टार्ट होती है, इससे पहले भी है लेकिन अरस्तु वगैरह इन्होंने भी उनका क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन मॉडर्न का अगर क्लासिफिकेशन की बात करें अपन आधुनिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या कहां से स्टार्ट होती है अपने कैरोलस लिनियस से, उसने द्विजगत प्रणाली दी थी, फिर उसके बाद में आरएच व्हिटेकर जो होता है उसने पांच जगत प्रणाली दी थी, इसके मध्यकालीन में भी द्वितीय जगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली, फिर उसके बाद में सिक्स डोमेन किंगडम, ये सब आ रहे हैं, लेकिन आपके काम का क्या है केवल एक सॉरी द्विजगत प्रणाली और दूसरी है पांच जगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली में जीवों के कौन-कौन से ग्रुप थे, एक पादप था और दूसरा कैसा था जंतु था, समझ आ रही बात। अब यहां पर जो है वो पांच जगत बना दिए, पादप और जंतु तो है ही, उसके साथ-साथ में कौन-कौन से बना दिए, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा कवक, ये पांच जगत इसने बना दिए। अब बात करते हैं अपन कि कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर किसी जीव को जीव कहेंगे, ये तो ही अपने जैव विविधता की बात, डाइवर्सिटी की बात हुई थोड़ी बहुत अपनी। अब बात करते हैं अपन कि जीव किसको कहेंगे, क्लासिफिकेशन तो करा लेकिन आपसे पूछा जाए कि जीव किसको कहेंगे, कौन सा ऐसा उसके अंदर पदार्थ, कौन सी एक्शन, कौन सी क्रियाएं जो होती हैं जिसकी वजह से किसी को जीव कहेंगे अपन। तो जीव होने के लिए जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण जो है उसके प्रति अनुक्रिया होना जरूरी होता है, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं जीव कौन है, आप एक जीव हो इसीलिए क्या होता है आपको ठंडी है गर्मी है सबका एहसास होता है, इसका मतलब क्या होता है कि पर्यावरण के अंदर जो भी अपनी क्रियाएं हुई है उन सबका क्या अपने अपने को पता है कि कोई चेंज हुआ है एनवायरमेंट में, तो उनको क्या कहेंगे अपन, समझ में आ रही बात, जीव कहेंगे। फिर दूसरा जैविक क्रियाएं होना जरूरी है किसी भी जीव के अंदर, जैविक क्रियाएं भी होना जरूरी है,
जैविक क्रियाओं का इन द सेंस मतलब ये है कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद में डाइजेस्ट हुआ और उसके शॉर्ट मॉलिक्यूल जो छोटे कण है वो आपको एब्जॉर्ब हुए और आपको एब्जॉर्ब हुए तो आपको क्या हुआ एनर्जी मिली और उस क्रिया को क्या कहा आपने जैविक क्रिया। समझ आ रही बात। तीसरा जो इसका लक्षण है वो होता है वृद्धि। समझ आ रही बात। वृद्धि कहते हैं इसको। अब तीसरी जो प्रक्रिया है वृद्धि, जैसे मान लेते हैं कि आप स्टार्टिंग में बहुत छोटे थे फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं फिर उसके बाद में क्या हो जाती है नेचुरल डेथ हो जाती है। अब देखो कोई भी निर्जीव पदार्थ होता है उसके अंदर कभी भी वृद्धि नहीं होती है। समझ आ रही बात। कभी ऐसा नहीं है कि स्कूल का कमरा जो है वो रात रात में बड़ा होकर के पूरी स्कूल का रूप ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लैपटॉप पड़ा होता है लैपटॉप पड़ा पड़ा होकर के वो टीवी का रूप ले लिया 12 इंच 50 इंच 100 इंच की अपने जो है मोबाइल बना लिया, मोबाइल जो अपने जेब में पड़ा पड़ा ही जो है अपने बिल्कुल अपने हाथ में नहीं आ रहा इतना बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के वृद्धि जो होती है वो किस में होती है केवल सजीवों में होती है। सजीव वृद्धि देखने के लिए आप बिल्कुल जब 2 साल के थे तो कितने छोटे से थे, 10 साल के हो गए तो कितने बड़े हो गए, 20 साल के हो जाओगे तो और बड़े हो जाओगे। कुल मिलाकर के जो है वृद्धि किस में होती है केवल जीवों का लक्षण है। समझ आ रही बात। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कि जनन जो होता है नेक्स्ट लक्षण कौन सा होता है जनन। जनन की अगर बात करें तो जनन भी किसमें होता है सजीवों में होता है। सजीव भी जो होते हैं उनमें जैविक क्रियाएं चलती हैं और जैविक क्रियाओं की वजह से वो क्या करते हैं आगे जनन करते हैं। समझ में आ रही बात। कोई लैंगिक जनन करता है कोई अलैंगिक जनन करता है कोई कायिक जनन करता है। कुल मिलाकर के अपनी जो संख्या में वृद्धि करते हैं वो क्या होते हैं जीव होते हैं। समझ आ रही बात। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक लैपटॉप था थोड़े दिनों बाद में 2 लैपटॉप हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ आ रही बात कि निर्जीव है निर्जीव वस्तु अपनी डुप्लीकेशन नहीं कर सकती है, कौन करेगा केवल सजीव करेंगे। समझ आ रही बात। तो ये लक्षण जो होते हैं वो किसके होते हैं सजीव के होते हैं। समझ रहे हो बात को। अब कुछ अपवाद देखते हैं इसके, कुछ हैं अपने पास में अपवाद। क्या हमेशा सही है कि पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करने वाले ही जीव होते हैं, जैसे मान लो बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और एहसास किसी को हो रहा है इसका मतलब वो जीव है, जरूरी थोड़ी है। कुछ कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो मान लीजिए किसी कोमा में गए हुए हैं तो उनको पर्यावरण के प्रति कोई क्रिया करते हो आप चाहे उनके सुई चुभो चाहे उसके मारो कुछ भी करो लेकिन उनको कुछ पता नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो क्या मनुष्य क्या वो जीव नहीं रहा क्या। तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा कोमा में गया हुआ कोई भी इंसान जो होता है वो पर्यावरण के प्रति किसी प्रकार की कोई अनुक्रिया नहीं करता है, किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो उस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे अपन, उसको जीव तो कहेंगे लेकिन वो इसका क्या हो जाएगा अपवाद इस प्रक्रिया का। दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल एक्शंस जैविक क्रियाएं जो होती है उनकी बात करें। जैविक क्रियाएं अपने सामने हैं जैसे मान लेते हैं कि AgN3 या फिर अपन बात करें C6H12O6 ये अपने पास में क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो किस में चेंज होती है CO2+H2 ये होता है अपने साथ। समझ आ रही बात। ये अपने ग्लूकोज खाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा CO2+H2 के अंदर जाएगा। समझ आ रही बात। क्या ये रिएक्शन हमेशा जीव के सजीव के अंदर ही होती है, बिल्कुल नहीं। ये वाली क्रिया जो होती है वो अपने टेस्ट ट्यूब में भी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जैविक क्रिया करने वाले ही जीव होते हैं, टेस्ट ट्यूब के जीव नहीं है। क्या टेस्ट ट्यूब जीव बन जाएगा इसकी वजह से, तो नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा अपवाद हो जाएगा। तो पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का अपवाद क्या हो गया कोमा में गया हुआ इंसान, कोमा में उपस्थित जीव मनुष्य भी हो सकता है बाकी और भी कोई जीव हो सकता है, ये इसका अपवाद हो गया। इस वाली क्रिया का अपवाद क्या हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में अगर ये रिएक्शन चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब अपने जैविक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं वो जीवों के अंदर भी होती है, कुछ अभिक्रियाएं बाहर भी होती हैं। समझ आ रही बात। फिर उसके बाद में वृद्धि की बात करें, वृद्धि जो होता है वो सामान्यतः जीवों का एक लक्षण होता है लेकिन कभी कभार जो होते हैं निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि एक रूम था जो एक दिन देखा छोटा था और दूसरे दिन देखा तो कोई स्कूल का रूप ले लिया रूम इतना बड़ा हो गया, ऐसे थोड़ी। कुछ जीव जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं जो वार्षिक वृद्धि करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा कहीं पर पहाड़ बना हुआ है, ये चीजें जो प्रक्रियाएं हैं वो सामान्यतः रेगिस्तानी एरिया जो होती है वहां पर देखने को मिलती है। एक रेगिस्तान का जो टीला बना हुआ है यहाँ पर आज यहाँ बना हुआ है, मान लेते हैं कि आज की डेट में यहाँ बना हुआ है ये टीला जो है अपने पास में यहाँ पर बना हुआ है। जब हवाएं चलेंगी तेज हवाएं चलेंगी तो क्या होगा यहाँ से धूल उड़ेगी यहाँ से और धूल उड़ने के बाद में क्या होगा ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। समझ आ रही बात। जो था उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा और दूसरा पास वाला जो है इसके पास में दूसरा पहाड़ जो था यहाँ की मिट्टी उड़ उड़ के क्या हो गई यहाँ पर जा करके जमा हो गई। समझ आ रही बात। तो ये पहाड़ बड़ा हो गया तो इस पहाड़ ने वृद्धि कर ली, मतलब ये वाला जो रेत का टीला जो था वो जीव उससे जीव हो गया, ऐसा नहीं है ध्यान रखना।
तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हुई है, तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, रेत के टीलों के बाहर की तरफ से वृद्धि, इसका अपवाद हो जाएगा। जनन की अगर बात करें तो जनन के भी अपवाद है, क्या हमेशा सजीव ही जनन करते हैं या कभी कभार निर्जीव भी जनन करते हैं, या फिर सजीव कभी जनन नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है कि निर्जीव होते हैं वो तो कभी जनन करते नहीं है, पत्थर को जो है तोड़ोगे तभी जाकर के दो होंगे, समझ आ रहे, ऐसा नहीं कि पत्थर के अंदर से दूसरा पत्थर निकल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहाँ पर जनन किसका अपवाद है वो देखने की कोशिश करें। जनन जो है वो जैसे मान लेते हैं कि कुछ एक जीव आता है खच्चर, खच्चर किससे बनता है, नर घोड़े और मादा गधे की जो आपस में निषेचन से एक प्रकार की नई प्रजाति उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं अपन खच्चर। अब खच्चर जो है वो आगे चल करके क्या नहीं कर सकता, जनन नहीं करेगा, समझ आ रही बात, जनन नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या वो सजीव नहीं है, अरे क्या वो निर्जीव है क्या खच्चर, नहीं बिल्कुल सजीव है लेकिन वो जनन नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपवाद हो जाएगा, समझ आ रही बात। एक जो होते हैं वो किन्नर, किन्नर मनुष्य जो होते हैं वो जनन नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्जीव है, तो जनन के दो अपवाद हो गए, खच्चर और एक किन्नर। आपको याद रखना है, पूछा जाए आपसे कि जीव जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सजीव किसको कहेंगे, तो वे जीव या वे क्रिया है जो पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करें वो सजीव होंगे, वे जीव जो क्या करें जैविक क्रियाएं करते हैं उनके अंदर जिनके अंदर वृद्धि होती हो जिनके अंदर जनन होता हो, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सजीव के लक्षण हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक अपवाद भी होंगे, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया वाला अपवाद कौन सा है, कि जो जीव कोमा में चला गया है, जो जीव कोमा में चला गया है वो किसी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं दर्शाएगा या पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाएगा। दूसरा है जैविक क्रिया, जैविक क्रिया की बात करें तो जो अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं वो भी जैविक ही होती हैं, लेकिन वो आगे क्या नहीं होती हैं, समझ में आ गई बात। तीसरा जो है वो होता है वृद्धि, वृद्धि की बात करें तो कुछ रेत के टीले जो होते हैं वो बाहर के रूप से उनके बाहर की तरफ जो होती है अलग रेत की ओर आकर के परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से वृद्धि करते हैं, इसका मतलब वो सजीव नहीं, इसका अपवाद हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन जनन की, जनन जो होता है वो कौन करते हैं, जनन जो है वो खच्चर और किन्नर नहीं करते, इसका मतलब वो निर्जीव नहीं है, ध्यान रखें, समझ में आ गई बात। इस तरह से ध्यान रखें कौन सा जीव है वो सजीव है, कौन जो है वो निर्जीव है, ये जीव की परिभाषा होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अगर जीव है तो उसका क्रम क्या है जीवन का, तो सबसे पहले अपन क्या बात करें, छोटा सा अपन ले लेते हैं कोई तत्व है, कोई भी तत्व था अपने पास में, वो तत्व आपस में मिलकर क्या बनाया, यौगिक बनाए, बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, और यौगिक जो है वो आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक जो होते हैं वो छोटे जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, समझ आ रही बात, छोटे हैं और जटिल कॉम्प्लेक्स इनका निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इससे आगे चल करके बड़े जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, बड़े जटिल यौगिक जो होते हैं वो आपस में मिलने से कोशिका नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, कोशिका नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। अब ये कोशिका नुमा संरचना जो होती है वो कोशिकाएं आपस में ये कोशिका निर्माण करती है, कोशिका नुमा जो संरचना दिख रही थी अपने किसका निर्माण करेगी, कोशिका का निर्माण करेगी। अब कोशिका जो है आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, ऊतकों का, जब कोशिकाएं आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है, ऊतक, और जब आपस में ऊतक मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं, ऊतक तंत्र जो है वो आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, ये अपने शरीर का निर्माण करते हैं, समझ आ रही बात। तो किसी जीव का जो होता है वो अगर डीकम्पोजिशन देखा जाए तो डीकम्पोजिशन कहां से स्टार्ट होता है, पहले शरीर है, शरीर के अंदर क्या है, ऊतक तंत्र है, शरीर पूरा जैसे बॉडी है अपना पूरा शरीर है, ऊतक तंत्र मतलब क्या है कि अपने पास में उत्सर्जन तंत्र है, अपने पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपने पास में सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपने पास में जो है स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम भी है, सब चीजें एंडोक्राइन सिस्टम भी है, सब है, तो वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, ऊतक तंत्र में। फिर उसके बाद में ऊतक आते हैं, ऊतक जो होते हैं वो दो तीन प्रकार के होते हैं,
संयोजी ऊतक होते हैं, सरल ऊतक भी होते हैं और रेशेदार ऊतक, बाकी सब मिलाकर के ऊतक होते हैं। समझ आ रही बात? अब उन ऊतकों के अंदर भी देखा जाए तो ऊतक किन से बने होते हैं? कोशिका। समझ आ रही बात? जैसे मान लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, अपना परिसंचरण तंत्र की बात कर लेते हैं, तो जैसे शरीर है, शरीर के अंदर क्या है, अपना परिसंचरण तंत्र है, जिसके अंदर रुधिर बहता है। अब उस तंत्र का नाम क्या दिया आपने? परिसंचरण तंत्र। अब इसके अंदर ऊतक जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ब्लड। और ब्लड के अंदर भी अपन बात करें तो क्या हो जाएगी? कोशिकाएं। कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी हो सकती है या आरबीसी हो सकती है। फिर उन कोशिकाओं से क्या हो जाएगा? कोशिका की जैसी संरचना, मतलब उसके अंदर बाकी देखे तो क्या हो जाएगा? केंद्रक भी होगा उसका, उसका डीएनए भी होगा और उसका आरएनए भी होगा। फिर उसके बाद में डीएनए आरएनए की बात करें तो बड़े यौगिक जो होते हैं वो बात कर रहे थे, जैसे कोशिका जो होती है, कोशिका नुमा संरचना की बात करें तो अपने इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका नुमा संरचना में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये वाली संरचना क्या हो जाएगी? कोशिका नुमा संरचना। अब बड़े जटिल यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बड़े जटिल यौगिक हो जाएंगे। बड़े जटिल यौगिकों से छोटे जटिल यौगिकों की बात करें तो क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किससे बनती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनसे बनती है। तो किसी एक के छोटे छोटे पार्टिकल क्या हो जाएंगे? छोटे जटिल यौगिक। छोटे जटिल यौगिकों की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? जैसे फ्रक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है अपने सामने। तो ये वाले हो जाएंगे लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब ये वाले यौगिक जो होते हैं आगे किससे बनते हैं? कोई भी सी एच को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं ग्लूकोज अपने पास में C6H12O6। अब सही अर्थ में देखा जाए तो ये तीन ही यौगिक हैं, वो अलग अलग, भले ही ज्यादा इनका रेशियो अलग अलग है अपने सामने, लेकिन क्या हो जाएगा? ये तीन ही यौगिक हैं अपने सामने। समझ में आ गई बात? तो ये था बेसिक चीजें जो आपको छोटी क्लास में आपने पढ़ी है। आज का ये टॉपिक जो था अपना वो बेसिक था ये वाला। इससे पहले जो डायवर्सिटी अपने जो समझाई है वो आपका थोड़ा सा अपर लेवल का है, नाइन्थ क्लास में भी आता है ऐसे टॉपिक, थोड़ा ध्यान रखें। अपन अभी तक जो पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है अपने? डायवर्सिटी के अंदर कैरोलस लिनियस की पद्धति पढ़ी है, और इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा है? जो हाइप किंगडम सिस्टम आरएस विटेकर वाली पद्धति पढ़ी है। फिर उसके बाद अपन जीवों के बारे में बता रहे हैं। समझ आ रही बात? सजीवों की अपन ने परिभाषा भी लिखी है, कौन क्या सजीव होते हैं, किसको सजीव कहेंगे, क्या क्या लक्षण होंगे तो उसको जीव कहेंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।